धूल धुआं धक्कड़ और बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए बॉलीवुड कैलेंडर का नया कदम मिशन ट्री, जिसमें हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है। इस धरती ने हम सबको कितना कुछ दिया है, अब हमारी बारी है कि हम इसे कुछ वापस करें। और इसकी शुरुआत बॉलीवुड कैलेंडर ने की और अब ये हमारा दूसरा चरण है जिसमें हम मिलकर कुछ और पेड़ लगा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इस बारे में लोगों का। आप कुछ कहना चाहेंगे और आपको कैसा लगा? नहीं नहीं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये ऐसे प्रोग्राम इससे पहले होना चाहिए। हम लोग लेट करते हैं, जो भी प्लान बनाए वो लेट करते हैं। ये मानव जाति के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, तो ये ऑक्सीजन भी पूर्ति करेगा। सबसे पहले जो है, जो कि यहाँ जो भी धूप में यहाँ पार्क में आते थे, धूप के वजह से सब चले जाते थे, तो उसको भी छाया मिलेगा। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और मैं उम्मीद रखूँगा जो कि आगे भी इस तरह से प्रोग्राम होना चाहिए। और ये पार्क जो है, जो इसी बॉलीवुड कैलेंडर के नाम से ये पार्क जाना चाहिए और इसमें सारे पार्क से बेहतर और सुंदर दिखना चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब भी, लाइक भी, क्योंकि मैं पहले से जुड़ा हूँ। थैंक यू सर। कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए तीन बात जरूरी होती है, मनसा वाचा कर्मया। मेरे पास समझ रही हैं? पहले कोई बात मन में पैदा होती है, जिन साथियों के मन में बात पैदा हुई है हमको बेहद खुशी है। जब मन में पैदा हुआ तो उसको वचन से कहा गया और आज कर्म किया गया। यह हमारे जीवन का पहला, हम ये मतलब हम एक अपना अनुभव बता रहे हैं कि कोई जब ऐसी बात करता है तो मैं कहता हूँ कि ये बताइए, ताजमहल पहले कहाँ बना था? मन में बना था किसी के कि ताजमहल बनना चाहिए, फिर उसने वचन किया, फिर उसको उसके एक खाका बनाया, फिर ताजमहल बना। ठीक है, तो ये चीज़ जिन साथियों के मन में पैदा हुई है मैं बेहद खुश हूँ और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरी बात, ये जो आपका चैनल है मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आज तक हमने देखा नहीं था, कुछ नहीं था। कम से कम इसी बहाने हम साथियों का और चैनल का नाम हमने जान लिया कि यह ये क्या चीज़ है। बस ये बहुत ही अच्छा और शिक्षाप्रद कार्यक्रम है और ये बहुत ज़रूरी है आज के बदलते माहौल में। जिस तरह से देश दुनिया में प्रदूषण आगे बढ़ रहा है, उस तरह से वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है ना, वो मतलब आप कह सकते हो कि ये हमारे पृथ्वी के लिए, हमारे मानव समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, ऐसा करता रहना चाहिए। बहुत अच्छा लगा और इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे नौजवान साथी हैं यहाँ पे, उनको मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया। यहाँ पे इन्होंने आज वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम किया है और प्रकृति के लिए, हम सब के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है पर्यावरण के लिए। तो मैं इन सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के इस कार्यक्रम से मैं बहुत खुश हूँ, अच्छा लगा। देखिए, हम यहाँ पे आए हैं बॉलीवुड कैलेंडर के तरफ से और उन्होंने हमें इनवाइट किया है, ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, पर्यावरण के दृष्टिकोण के हिसाब से ये बॉलीवुड कैलेंडर अपने आप में मायने रखता है और आगे भी जिस उत्साह के साथ इन्होंने कार्यक्रम रखा है वो एक काबिलियत तारीफ है। और बॉलीवुड कैलेंडर को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं देखता जरूर हूँ लेकिन जो सरप्राइज वाली बात है वो मैं नहीं कर पाता हूँ। पहले
पहली चीज़ तो बॉलीवुड कैलेंडर से जुड़े सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन है। और ये बच्चे जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, एक न एक दिन अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। और मेरा मन तो बहुत प्रफुल्लित है इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर। मैं इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में बॉलीवुड कैलेंडर की तरफ से बुलाया गया, मैं धन्य हो गया। जय हिंद, जय। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज कर रखा है, बहुत अच्छी बात है ये कि ग्रीनरी और क्लीन डाली, ग्रीन डाली, और आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया, बच्चों ने भी काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट किया। और साथ ही ये यहाँ की आपके इस इनिशिएटिव को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और आने वाले टाइम पे लोग और भी यहाँ पर सफाई रखना चाहेंगे आपके इस प्लान को देखते हुए। बहुत अच्छा है और आई रियली अप्रिशिएट योर दिस टास्क, थैंक यू सो मच। बस अभी जस्ट अभी इंट्रोडक्शन ही हुआ है तो बिल्कुल मैं घर पे जाकर इसको सब्सक्राइब करूंगा और आगे भी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बॉलीवुड कैलेंडर से जुड़े सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इतनी मेहनत से और आम पब्लिक के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा, मेरे को जैसे ही पता चला तो मेरा खुद मन करा कि मैं भी वहाँ पर जाके कुछ अपनी तरफ से सहयोग करूँ। तीसरा, ये जो आज हम काम कर रहे हैं इसका फल हमें कुछ टाइम बाद जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी तरफ से इन सभी भाइयों को शुभकामनाएं। पेड़ लगाना बहुत अच्छा लगता है, मैं इनका बहुत ख्याल रखूँगा। मेरा नाम नितेश कुमार त्रिवेदी है। मेरा नाम आज है, मुझे पौधा लगाना अच्छा लगता है। और अगर आप हमें कुछ प्लांट्स डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं या फिर द बॉलीवुड कैलेंडर @gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं।